आज बनाएंगे हरी मिर्ची की एक ऐसी रेसिपी जो आप चाहे रोटी के साथ खा लें, चाहे भटूरे के साथ खा लें, चाहे पूड़ी के साथ खा लें, चाहे ब्रेड के साथ खा लें, चाहे किसी चीज़ के साथ खा लें, आपको इसे खा के मज़ा ही आने वाला है। ये दही की हरी मिर्ची के साथ बनाई गई इतनी ज़बरदस्त रेसिपी है जो बच्चों से लेकर बड़ों तक को स्वादिष्ट लगती है और इसमें ज़्यादा मिर्ची तीखी भी नहीं लगती। इस रेसिपी को बनाने के लिए हमने थोड़ी सी हरी मिर्ची ले ली है, लगभग 150 ग्राम के आसपास, और इस हरी मिर्ची को अच्छे से धो के अच्छे से सुखा लें। अगर आपकी हरी मिर्ची थोड़ी गीली है तो टिश्यू या फिर कपड़े की मदद से इसका सारा मॉइस्चर धीरे धीरे कम कर दें। उसके बाद दोस्तों हमने जो हमारी हरी मिर्चीज हैं उन सभी को बीच में से हाफ ऑफ करके काटना होगा। तो हम क्या करेंगे, एक खाली प्लेट ले लेते हैं जहां हम अपनी हरी मिर्चीज को काट के रखने वाले हैं और उसके बाद ऊपर का ये छिलका टुकड़ा हटा के बीच में से काटना शुरू कर देते हैं। आपको ये सारी की सारी हरी मिर्चीज को ऐसे बीच में धीरे धीरे करके काट लेना है। जितनी हरी मिर्ची मोटी होगी, ध्यान रखिएगा, उतना इसमें तीखापन कम होता है, और जितनी छोटी होती है हरी मिर्ची उसमें उतना ही तीखापन ज़्यादा होता है। सबका स्वाद एक जैसा नहीं होता, किसी को मोटी है तो किसी को तीखी पसंद है। तो हमने इस रेसिपी को बनाने के लिए कुछ तो मोटी हरी मिर्चीज ले ली हैं और कुछ छोटी भी ली हैं। तो हम एक एक करके मोटी और छोटी सारी की सारी हरी मिर्चीज को लगभग काट लेंगे। दोस्तों ये हरी मिर्चीज की जो रेसिपी है हम इसको दही की मदद के साथ बनाने वाले हैं, और जब ये बनके तैयार होगी ना तो आपको इतना खट्टा मीठा और ज़बरदस्त सा स्वाद आने वाला है जो आपका रोटी ज़्यादा खाने के लिए मन भी मोह लेगा। तो चलिए हमने क्या कराया दोस्तों, एक एक करके सारी पतली और मोटी हरी मिर्चीज काट ली हैं। आप देख सकते हैं हमारी कुछ हरी मिर्चीज कटने के बाद हमें इतनी मिल चुकी हैं, लगभग 2-4 हरी मिर्चीज और रह गई हैं, इन्हें भी झटपट काट लेते हैं। अब दोस्तों इन हरी मिर्चीज को आप सारा का सारा जैसे ही काट लें उसके बाद आपको ले लेनी होगी एक कढ़ाई। तो हमारी लास्ट हरी मिर्ची भी कट गई और अब हमने एक कढ़ाई ले ली जहां हम पैन में थोड़ा सा ऑयल डालेंगे। आप कढ़ाई पैन कुछ भी ले सकते हैं, ऑयल डाल लेना है आपको अपनी इच्छा अनुसार। मैंने ऑयल डालने के बाद सबसे पहले तो इसमें डालना है लाल मिर्ची और हल्दी, ताकि दोनों का अच्छा सा कलर इस रेसिपी में आ जाए। हल्का सा इसे भूनने दीजिए ऑयल में और उसके बाद फटाफट झटपट अपनी कटी हुई हरी मिर्ची को इसमें ऐड कर लेते हैं। तो ये आप देख सकते हैं जैसे ही हमारा मसाला भून गया है अपने हमने सारी की सारी हरी मिर्ची इसमें डाल दी, ये देखिए। अब दोस्तों आप इनको सौटे यानी कि भून लीजिए, इतना ही भूनिए कि ये हरी ही रहें, पीलेपन में ना बदल जाएं, लेकिन 2-3 मिनट तो आपको इनको लो से मीडियम आंच पर भूनना ही होगा ताकि कच्ची कच्ची मुँह में भी ना आए, तभी इसका स्वाद अच्छा आएगा। तो चलिए आपको ये अच्छे से पूरी की पूरी पका लेनी है। लगभग इसको पकने में जैसे कि मैं आपको बता ही चुका हूँ 2-3 मिनट का समय लगेगा, तो उतनी देर मैं अपनी सौंफ को इस रेसिपी में मैं सौंफ का इस्तेमाल करने वाला हूँ, फटाफट से भून के रख लूँगा। मैं आपको दिखाऊँगा अभी, भून के नहीं सॉरी, मिक्सी में ग्राइंड करके, एक चम्मच सौंफ को आप ग्राइंड करके रख लीजिए। तो चलिए इसको झटपट सारे के सारी भून लेते हैं और उसके बाद हम इसमें कुछ स्पेशल चीज़ें भी डालने वाले हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया था रेसिपी दही में डलने वाली है और नमक अभी तक इस रेसिपी में नहीं डला है। तो चलिए दोस्तों हम धीरे धीरे झटपट अपने मसालों की शुरुआत कर लेते हैं। बस ये हल्का सा और भुनना बाकी रह गया है, ये हल्के से जैसी लचकीली सी हो जाएगी थोड़ी सी, एकदम जैसे कसी हुई थी, टाइट थी, अभी जैसी अपनी टाइटनेस छोड़ेगी बस आप देखेंगे कि इसमें बाकी सारी चीज़ें डालने का समय आ चुका है। ये लीजिए मैं अब इसमें नमक भी ऐड कर लेता हूँ, इच्छा अनुसार आप इसमें नमक डाल लीजिए, अच्छे से मिक्स कर लीजिए। जैसे कि दोस्तों मैंने आपको बताया था शुरुआत में अभी थोड़ी देर पहले कि इसमें सौंफ भी पिसी हुई डलेगी लगभग 1 चम्मच, तो देख सकते हैं एकदम फ्रेश मोटी हरी सौंफ ले ली है, इसका खुशबू बहुत अच्छी आती है, तो मिक्सी के जार में इसे पीस ली थी और अब मैं इसको डाल देता हूँ। ये लीजिए बस 1 ही चम्मच सौंफ मैंने इसमें डाल दी है। अब एक मेन इंग्रेडिएंट इसमें डालना बाकी रह गया है, वो होता है दोस्तों अमचूर। अमचूर पाउडर से इसमें जो खट्टा मीठा स्वाद आता है वो आपका मन मोह लेगा। तो चलिए इसको हल्का सा भूनने के बाद इसमें झटपट हल्का सा अमचूर डाल लेते हैं। अमचूर की जगह आप चाहे तो उसकी जगह आप हल्का नींबू भी इसमें निचोड़ के डाल सकते हैं, मेरे पास अमचूर अवेलेबल है इसलिए मैं अब इसमें अमचूर डाल रहा हूँ। ये देखिए फिर से अच्छा सा मिक्स कर दीजिए झटपट। और उसके बाद दोस्तों हमारा मेन इंग्रेडिएंट जो हमने शुरू में बताया था मिर्ची और दही की रेसिपी, तो इसमें दही डालनी तो अभी बाकी रह ही गई। तो चलिए फटाफट से एकदम एंड में इसमें दही डालते हैं ताकि वह एंड में अच्छे से मिक्स हो जाए और हल्का तेल भी छोड़ दे। तो अब हम मैं इसमें डालूंगा लगभग 2 छोटे चम्मच दही के। ये लीजिए ये गई हमारी दही और उसके बाद झटपट आप इसको मिक्स कर लीजिए। अभी अच्छे से मिक्स हो जाएगी दही, दही का कट दिखाई नहीं देगा, लगभग 2-3 मिनट के बाद अच्छे से मिक्स हो जाएगी बस, और हमारी रेसिपी ये बन के तैयार हो जाएगी। लेकिन एंड में कैसा टेक्स्चर दिखता है वो भी आपको दिखाते हैं।
ये फटाफट से पक चुकी है अच्छे से, दही सारा का सारा मिक्स हो चुका है। तो गैस को अभी बंद करने से पहले बस एक ही मिनट इसको मैं ढक के और थोड़ा सा पकाने की कोशिश करता हूँ। तो चलिए एक मिनट के लिए इसको ढकता हूँ और उसके बाद फटाफट से ढक्कन हटा के भी आपको दिखा दूँगा। दोस्तों ये रेसिपी बहुत ही जानदार बनती है। ये जैसे कि मैंने आपको शुरुआत में बताया था, एक मिनट के लिए अभी पकाया है और बताया था मैंने रोटी, ब्रेड, भटूरे, पूड़ी, परांठे किसी के साथ खा के ट्राई करके देखिए, आपका स्वाद दोगुना हो जाएगा, आपको इतना आनंद आएगा इसे खाते हुए। बस ये अच्छे से पक के तैयार हो गई है, भुनी गई है। झटपट मैं इसका अब गैस बंद कर देता हूँ और उसके बाद आपको इसे एक बढ़िया से कंटेनर में डाल के दिखा देता हूँ। आपको जब तक ये कंटेनर में डलती है दोस्तों, ये वीडियो कैसा लगा ज़रूर कमेंट करके बताइएगा, क्योंकि डिलीशियस फूड हमेशा ही मेहनत करता रहता है आपके लिए अच्छी अच्छी रेसिपीज वीडियोस बनाने की। तो ये देखिए दोस्तों, मैंने कांच के बर्तन में इसे ले लिया है। आप चाहें तो इसे 2-3 दिन तक अच्छे से स्टोर करके भी रख सकते हैं, क्योंकि हमने इसे अच्छे से पका लिया है, कोई भी चीज़ कच्ची नहीं छोड़ी है। तो ये एंड में इतनी खूबसूरत मिर्ची और दही की रेसिपी बन के तैयार है। दोस्तों बढ़ लेता हूँ अपनी अगली ट्रिक की तरफ। जब भी दूध को बॉयल करते हैं, आप चाहते हैं कि आपकी मलाई मोटी आए, तो ये ट्रिक उसके लिए। हल्का सा हमने बहुत थोड़ा सा हल्का सा गीला कर लिया था इस पतीले को ताकि नीचे से चिपके नहीं, लेकिन अब हम आपको मलाई मोटी करने का एक बहुत ही बढ़िया रामबाण उपाय बता रहे हैं। गैस में हमने अपना दूध रख दिया है उबलने के लिए, बहुत जल्दी ये उबल जाएगा। दो तरीके हैं, एक तो आँच को ज़्यादा तेज ना करें, ऊपर देखिए मलाई जमा हो चुकी है। अब आपने क्या करना है, बॉयल आते वक्त 1-2 बॉयल दिलवाने हैं एक्स्ट्रा। उससे क्या होगा दोस्तों, आपके एक्स्ट्रा बॉयल दिलाने की वजह से जो ऊपर है इसके जो ऑयल्स होते हैं वो ऊपर वाली परत पे आ जाते हैं उबलने उबलते उबलते। इससे क्या होगा, जो भी आप मलाई बनाएंगे वो मलाई ऊपर की परत पे जब ऑयल्स आ जाएंगे तो मोटी मलाई आएगी निकल के। देखिए मैं आपको दिखाता हूँ, ये एक बॉयल आने लग रहा है। अब हमने क्या करा है, गैस को थोड़ा सा स्लो करेंगे, फिर बॉयल आएगा, फिर लो करेंगे, फिर बॉयल आएगा, फिर लो करेंगे और एंड में हमें ऐसे दूध मिल जाएगा विद मोटी परत। और अब जब ये ठंडा हो गया तो दिखाता हूँ दोस्तों आपको परत निकाल के कितनी मोटी मलाई जम के तैयार हुई है। बस आप एक्स्ट्रा 1-2 बॉयल्स दिलाएंगे तो मोटी हो जाएगी ऊपर की परत। अगर आपको यूज़ करनी है मलाई अपने किसी भी चीज़ के लिए घर में, तो आप ऐसे मोटी मलाई की परत निकाल सकते हैं। कुछ लोगों को घर में स्लिम मिल्क भी पसंद है और कुछ को गाढ़ा, तो जिन लोगों को पतला दूध पसंद है उनको मदद भी करेगा। गाढ़े वाले गाढ़ा पी लेंगे और गाढ़े दूध में से अगर किसी को पतला भी निकालना है तो ज़्यादा बॉयल लेगा। नीचे क्या है, ऊपर ऑयल्स मैक्सिमम आ जाएंगे तो नीचे पतला दूध मिल जाएगा। ये देखिए दोस्तों कितनी अच्छी इतनी मोटी गाढ़ी मलाई निकल के आई है। ये आप गाढ़ी मलाई कहीं भी यूज़ कर सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होगी आपके लिए अगर आप इसको ढूंढ रहे हैं, चाहते हैं कि आपके घर में मोटी मलाई आए। ये देखिए फ्रेंड्स इतनी मोटी मलाई देखी थी क्या, पराठे से भी मोटी है। अगली ट्रिक, लकड़ी के स्कूप्स होते हैं जो स्पैचुलाज होते हैं वो फंगस पकड़ लेते हैं और इनको धोने के बाद भी ये स्पैचुलाज फंगस नहीं छोड़ते हैं। इनको धोने के बाद क्लीनिंग शाइनिंग रखने का एक ही उपाय है, वो उपाय ये है इनको हमेशा ऑयलिंग करते रहें 2-4 दिन में 6-7 दिन में। उससे क्या होगा, आपके जो वुडन स्पैचुलाज हैं या कोई भी वुडन सरफेस है किचन में जो हम यूज़ करते हैं और मसालों की वजह से भाप की वजह से इन पे एक थोड़ी सी अलग तरीके की परत जम रही है वो बिल्कुल भी नहीं जमेगी और आप इनको ईजिली यूज़ कर पाएंगे। तो चलिए दोस्तों मैं चलता हूँ, आप ज़रूर वीडियो को शेयर कर लीजिएगा, लाइक कर लीजिएगा, फॉलो कर लीजिएगा ताकि अच्छे अच्छे लोगों तक और आप तक ये टिप्स पहुँचती रहें। धन्यवाद दोस्तों।